सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद स्टेशन पे। दोस्तों मैं पुखराज साहू पतंजलि मेगा स्टोर नीमत से। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। दोस्तों ये जो समस्या है वर्तमान में जो नवविवाहित युवक है उनको बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके दोस्तों कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि बचपन में की गई गलतियाँ या फिर जो भोजन आहार लेते हैं उसमें पौष्टिकता की कमी। इस प्रकार के दोस्तों अलग अलग कारणों से ये जो समस्या है वर्तमान में बढ़ती जा रही है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस समस्या को दूर करने के लिए पतंजलि की आयुर्वेदिक औषधियाँ बताने वाला हूँ। कौन कौन सी वो औषधियाँ है सबसे पहले आपको ये बताऊँगा, उसके बाद उनकी प्राइस क्या है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इन औषधियों को आपको सही तरीके से कैसे सेवन करना है, उसके बाद दोस्तों इन औषधियों को सेवन करने के साथ आपको क्या परहेज रखने हैं और कौन सी चीज़ें आपको जोड़नी है ताकि आपको जल्द से जल्द बेनिफिट मिले। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कौन कौन से आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको कितनी मात्रा में लेनी है और क्या उनकी प्राइस है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लेनी है पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की वसंत कुसुमाकर रस। इसके दोस्तों 1 ग्राम की जो प्राइस है वो 520 रुपये है। ये आपको 2 ग्राम लेनी है यानी कि 2 शीशियाँ लेनी है। उसके बाद आपको दोस्तों पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की अभ्रक भस्म लेनी है, ये 5 ग्राम की पैकिंग में आती है, इसकी 30 रुपये MRP है। इसके आपको 2 पाउच लेने यानी कि 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपको दोस्तों वंग भस्म लेनी है, ये भी दोस्तों दिव्य फार्मेसी की है, आपको ये 10 ग्राम लेनी होती है। इसके लिए आपको 5-5 ग्राम के 2 पाउच लेने हैं। 5 ग्राम की अगर प्राइस आप देखेंगे तो वो है मात्र 35 रुपये। ये तीसरी मेडिसिन हो गई। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे आपको लेनी है पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की मकर ध्वज रस, ये 2 ग्राम की पैकिंग में आती है, आपको एक ही शीशी लेनी है। इसकी प्राइस आप देखेंगे मात्र 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो मेडिसिन आपको लेनी है दोस्तों ये पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की गिलोयसत, 10 ग्राम की पैकिंग में है, 10-10 ग्राम में आपको 2 पाउच लेने हैं यानी कि 60 रुपये का एक पड़ेगा और 120 रुपये में आपको ये 2 पाउच मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको लेनी दोस्तों दिव्य फार्मेसी की प्रवाल पिष्टी, ये आपको 10 ग्राम में लेनी है, एक ही पाउच लेना है और 10 ग्राम की प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो है मात्र 70 रुपये। इसके बाद अगली जो मेडिसिन दोस्तों आपको लेनी होगी पतंजलि का यौवन चूर्ण, 100 ग्राम में लेना है, 100 ग्राम की ही पैकिंग है, 100 ग्राम की प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो है 250 रुपये। इसके बाद 2 टेबलेट आपको लेनी है, जिसमें पहली टेबलेट रहेगी आपके चंद्र प्रभावटी, 120 टेबलेट वाली जो शीशी है इसकी प्राइस 125 रुपये है। और अगली जो टेबलेट आपको लेनी होगी वो है यमुना अमृत वटी, यमुना अमृत वटी दोस्तों इसमें आपको 40 टेबलेट मिलती है और इसकी जो MRP है वो 350 रुपये। इसके बाद आखिरी जो औषधियाँ रहेगी आपके वो लिक्विड में है, एक तो रहेगा शुद्ध शिलाजीत, ये शुद्ध शिलाजीत 20 ग्राम में आता है, इसकी प्राइस 130 रुपये है। और जो लास्ट मेडिसिन आपकी रहेगी वो है वॉलनट ऑयल, तो ये दोस्तों पतंजलि का नया ऑयल आया 20 ml में और इसकी प्राइस है 200 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी औषधियाँ मैंने आपको बता दी, आपको दिखने में ज़्यादा लग रही होगी लेकिन आप जब इनका सेवन करेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में रह जाएगी। अब आपको कैसे सेवन करना है ये आप देख लीजिए। ये जितने भी मैंने आपको मेडिसिन बताई इसमें ये टेबलेट और लिक्विड को छोड़ करके आपको जो पाउडर भस्मे और ये कांच की जो शीशा है इन सभी को आपको एक साथ मिला लेना, यानी कि इनको खोल खोल के आप एक कटोरे में खाली कर लेवें। इसके बाद आपको इनकी 60 पुड़िया यानी इनको 60 पार्ट में डिवाइड करना है। 60 पार्ट में इनको डिवाइड करने के बाद एक पुड़िया सुबह और एक पुड़िया शाम को खाना खाने से पहले दूध के साथ आपको लेनी है। तो दोस्तों पहली हमारी ये औषधि हो गई जो कि सबको मिला करके आपके एक बन जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपको मेडिसिन लेनी है ये दोस्तों इसमें आपको एक तो यमुना अमृत वटी और चंद्र प्रभावटी। दोस्तों इन दोनों टेबलेट में से आपको 2-2 टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लेनी होगी। आपके जो ये चंद्र प्रभावटी ये एक शीशा आपकी पूरा महीना चल जाएगी, लेकिन जो ये यमुना अमृत वटी है इसमें 40 टेबलेट आती है तो एक शीशा आपकी 10 दिन चलेगी। तो इसके लिए आप इसके 3 डिब्बियाँ ले लें ताकि आपके पूरे 1 महीने का ये कोर्स हो जाए मिनिमम। तो दूसरी मेडिसिन हो गई। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको जो मेडिसिन लेनी है ये पतंजलि का दिव्य शुद्ध शिलाजीत, इसके दोस्तों आपको 2 बूंद दूध में मिला के लेनी है, यानी कि जो पुड़िया आप ले रहे होते हैं उसी पुड़िया वाले दूध में आप 2 बूंद ये शुद्ध शिलाजीत डाल देवें तो आपके ये पूरा बेनिफिट देगा। इसी कड़ी में दोस्तों आखिरी जो मेडिसिन आपको लेनी यूज़ करनी होगी वो है दोस्तों पतंजलि का वॉलनट ऑयल। दोस्तों इस ऑयल से आपको हल्के हाथों से मालिश करनी है। तो दोस्तों ये पतंजलि का जो वॉलनट ऑयल है ये बहुत ही ज़बरदस्त लाभकारी है। तो दोस्तों ये सारी औषधियाँ हो गई, इनको यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात आती है कि इन औषधियों के सेवन करने के साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना, यानी कि क्या किन चीज़ों को आपको अपने जो रूटीन में नहीं लाना है। सबसे पहली बात दोस्तों ये कि आपको धूम्रपान नहीं करना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा तली गली या मिर्च मसालेदार जो चीज़ें होती है फास्ट फूड इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब कौन सी चीज़ आपको ऐड करनी है वो है दोस्तों आप नियमित रूप से योग प्राणायाम करें, कुछ इसमें आसन जैसे कि सेतुबंधासन, कंद्रासन, मंडूकासन इनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो इन औषधियों का सेवन करने के साथ ही ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी और कम समय में भी आपको अधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों अंत में बात आती है इन औषधियों को कितने समय तक आप सेवन करें तो आपको अच्छा बेनिफिट मिले। तो लगभग दोस्तों इन औषधियों का आप
तीन महीने तक नियमित रूप से लेवें तो आपको इन दवाइयों से पूरा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इन औषधियों का सेवन करने के साथ ही अगर आपके आसपास में पतंजलि का स्टोर है तो वहाँ पर जो वैद्य बैठते हैं उनसे कंसल्ट कर लेवें। अगर आपके पास में पतंजलि स्टोर नहीं है तो जो वीडियो मैंने नंबर दे रखे इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे स्टोर पर जो डॉक्टर साहब बैठते हैं वैद्य जी बैठते हैं उनसे कंसल्ट करके भी अपने डाउट को क्लियर करके इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसा लगा या मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और साथ ही आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। ओम।